दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस कहानी द लॉस्ट के प्रीवियस एपिसोड्स नहीं देखे तो ये एक लंबी कहानी है और अभी तक बहुत कुछ हो चुका है। अगर आप इसे सही से समझना चाहते हैं तो पहले वो देख ले, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे। चलिए अब आपको ले चलते हैं 1970 में, उस समय में जब यहाँ दार्मा वाले आबाद थे और अपने एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। स्टेशंस बनाए जा रहे थे, सबमरीन से लोगों को लाया जा रहा था, होस्टाइल्स यानी अदर्स का खतरा सर पर मंडरा रहा था। सबसे पहले हम डॉक्टर मॉर्विन को देखते हैं, वही इंसान जिसे आज तक हमने और सर्वाइवर्स ने सिर्फ दार्मा के ओरिएंटेशन टेप्स में ही देखा था। सुबह होती है, वो अपने काम पर जाता है। वो एक फुटेज रिकॉर्ड करने वाला था, मगर तभी एक वर्कर भागते भागते उनके पास आता है कि ऑर्किड में एक समस्या आ गई। जब डॉक्टर मॉर्विन वहां जाते हैं तो उसे बताया जाता है कि यहां एक पत्थर के अंदर ड्रिल बार बार टूट रहा है। अब मॉर्विन काम बंद करवाता है क्योंकि वो जानता था कि अगर इस पत्थर को तोड़ा गया तो स्पेस टाइम वाली समस्या शुरू हो जाएगी। असल में इसके अंदर ही वो व्हील है, वही व्हील जिसे बेन ने घुमाया था। वापस आते समय डॉक्टर मॉर्विन से एक आदमी टकराता है, और वो आदमी था डेनियल फेराडे, जो इस आइलैंड का राज जानता था। वैसे हैरानी की बात तो है कि वो यहाँ आया कैसे, ये तो 70s है। तो असल में दोस्तों, यहाँ से अब द लॉस्ट में पागलपन शुरू होने वाला है, जब से बेन ने वो व्हील घुमाई है। अब आइलैंड समय की धारा से निकल चुका है। आइलैंड और आइलैंड के साथ साथ सर्वाइवर्स बार बार टाइम ट्रेवल करेंगे। कहानी को ध्यान से सुने ताकि आपको सब समझ आए। ओशियानिक 6 आइलैंड से जा चुके हैं, साथ में बेन भी। अब देखते हैं आइलैंड के गायब होने के बाद हुआ क्या। सॉयर और जूलिया बीच पर थे। बेन के साथ 6 लोग थे जिसे वो बोट से शिप पर ले जा रहा था। लॉक अदर्स के पास आया था। जैसे ही वो तेज रोशनी आइलैंड पर पड़ी, इन सभी ने टाइम ट्रेवल किया। कहां ये अभी तक नहीं पता, क्योंकि अब लॉक अकेले है जंगल में। सभी अदर्स गायब हो गए हैं। डेन देखता है कि वो आइलैंड के रेडियस में था, इसलिए उसने भी आइलैंड के साथ टाइम ट्रेवल किया। सॉयर और जूलिया को अंदाजा नहीं था, मगर अब वो शिप गायब था जिसमें अभी अभी धमाका हुआ था और काला धुआं उठ रहा था। सॉयर और जूलिया हैरान थे कि हुआ क्या। तब बर्नार्ड भागते भागते इनके पास आता है। इनसे अपनी पत्नी रोज का पूछता है कि क्या तुम लोगों ने उसे देखा। सॉयर और जूलिया ने नहीं देखा था, मगर ठीक समय पर रोज भी जंगल से बर्नार्ड को ढूंढते हुए आती है। सॉयर बर्नार्ड को कहता है कि तुम लोग जरा शांत रहो, इतने डरने की जरूरत नहीं, चलो कैंप पर वापस चले। ये सुनते ही बर्नार्ड भड़क जाता है कि कौन सा कैंप, वहाँ कोई कैंप नहीं है। उस रोशनी के साथ सब कुछ गायब हो गया। जूलिया और सॉयर भी हैरान थे। वो भागते हुए कैंप पर तो आते हैं, मगर सब कुछ गायब था, वो टेंट्स, खाना, पानी, वो सारा सामान। उस समय डेनियल भी बीच पर पहुंच चुका था और उन्हें समझाता है कि तुम लोगों का कैंप गायब नहीं हुआ, बल्कि वो अभी तक बनाया ही नहीं गया। दोस्तों, इसका मतलब है कि ये लोग पास्ट में आ चुके है। डेन जूलिया से कहता है कि मुझे किसी ऐसी जगह ले जाओ जो इंसानों ने बनाई हो। अब जूलिया एक ही जगह जानती थी जो 15 मिनट की दूरी पर थी, वही हेज जिसमें कभी डेजमंड रहा करता था। तो जूलिया उन्हें उस हेज में ले जाने वाली थी। जूलिया के साथ कुछ और लोग भी थे। रास्ते में सॉयर डेन से गुस्से में पूछता है कि मुझे सब सच बताओ, यहाँ चल क्या रहा है। तो डेन उसे समझाता है कि असल में बेन ने जो भी किया, उसने आइलैंड को समय की धारा से निकाल दिया है। अब ये एक टाइमलाइन में नहीं है, बार बार टाइम ट्रेवल होगा। हम कभी पास्ट तो कभी फ्यूचर में जाएंगे। इसकी कोई गारंटी नहीं कि कब टाइम ट्रेवल होगा, जल्द भी हो सकता है और बाद में भी। ये सब सिर्फ हम ही एक्सपीरियंस करेंगे, बाकी लोग नहीं। जो लोग पहले से ही आइलैंड पर है, मतलब बेन के लोग, वो इस टाइम ट्रेवल का हिस्सा नहीं है। उस समय डेन की बात का सही मतलब किसी को समझ तो नहीं आता। ये लोग आगे बढ़ रहे थे। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जॉन लॉक पर, क्योंकि वो भी इस टाइम ट्रेवल का हिस्सा है। उसका मानना था कि रिचर्ड और बाकी लोग कहीं गायब हो गए हैं, मगर हकीकत में लॉक ने ही टाइम ट्रेवल किया था। वो सभी लोग अपने समय में है। तब वो ऊंची जगह पर जाता है ताकि देख सके वो सब कहाँ गए, मगर एक अजीब सी ही बात होती है। उसे वही नाइजीरियन प्लेन नजर आता है जो 20 साल पहले क्रैश हुआ था, जिसमें मिस्टर इको का भाई था। वो लॉक के सामने ही आइलैंड पर क्रैश हो जाता है।
लॉक को तब समझ आती है जब वो वर्जिन मैरी का स्टेच्यू देखता है। तो दोस्तों असल में जॉन लॉक और सर्वाइवर समय में 20 साल पीछे चले गए हैं। लॉक को पता था ये प्लान उसे कहाँ मिलेगा, इसलिए वो जल्दी से वहाँ जाता है। नाइजीरियन प्लान उसी जगह था जहाँ उसे होना चाहिए था। लॉक आवाज देता है कि क्या कोई जिंदा है, मगर उसे कोई जवाब नहीं मिलता। लॉक वहाँ चढ़ने का फैसला करता है। अचानक से कोई उसके पैर को शूट करता है, वो नीचे गिर जाता है। जिसने लॉक को शूट किया था वो गन हाथ में लिए जंगल से बाहर आता है। लॉक उसे देखकर हैरान था क्योंकि वो ईथन था, इसका मतलब कि वो इस आइलैंड पर बहुत समय से है। वो लॉक से पूछता है कि कौन हो तुम और तुम्हारे साथ और कौन कौन है। लॉक जवाब देता है कि मैं उस प्लेन में नहीं था, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम ईथन हो और मुझे शूट मत करना प्लीज। मेरा नाम जॉन लॉक है और बेन ने मुझे तुम लोगों का लीडर बनाया है। ये सुनते ही ईथन उस पर हंसता है कि ऐसी बकवास मैं पहली बार सुन रहा हूँ। वो लॉक को शूट करने वाला था, मगर फिर से वो तेज रोशनी पड़ती है और दोबारा से टाइम ट्रेवल होता है। इस बार ये लोग समय में ना तो फ्यूचर में जाते हैं ना पास्ट में, बल्कि प्रेजेंट में ही आते हैं। क्योंकि जब डेन, जूलिया, सॉयर और बाकी सब उस हेच तक पहुँचते हैं, वहाँ मिस्टर लॉक जख्मी हो चुके थे। वो नाइजीरियन प्लेन पेड़ के बजाय जमीन पर पड़ा था, वो भी जला हुआ क्योंकि इको ने उसे जलाया था। उस समय रिचर्ड वहाँ आता है। लॉक भी हैरान था कि तुम्हें कैसे पता था कि मैं यहाँ हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उसे ये भी पता था कि लॉक की टांग जख्मी है। वो अपने साथ मेडिकल किट भी लाया था। रिचर्ड कहता है कि समझाने का मेरे पास वक्त नहीं है, मगर मुझे तुमने ही ये सब बताया था। लॉक कहता है कि नहीं, मैंने नहीं बताया। रिचर्ड कहता है कि अभी नहीं, मगर एक दिन तुम बताओगे। वो लॉक की टांग से बुलेट निकालता है और उसे कहता है कि ध्यान से सुनो जॉन, तुम ये सब रोक सकते हो, तुम्हें अपने लोगों को वापस लाना होगा जो इस आइलैंड से जा चुके हैं। लॉक जवाब देता है कि मैं उन्हें कैसे ले आऊं, मैं ये कैसे करूंगा। तो रिचर्ड जवाब देता है कि तुम्हें मरना होगा। साथ ही वो लॉक को अपना कंपास देता है कि तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हें नहीं पहचान पाऊंगा, मगर मुझे ये देना और मुझे समझाना, मैं तुम पर यकीन करूंगा। और इसी के साथ फिर से वो तेज रोशनी, टाइम ट्रेवल होता है। रिचर्ड अब वहां से गायब था। अब ये ऐसे समय में पहुंच गए थे जहां नाइजीरियन प्लेन जमीन के बजाय ऊपर था, इसका मतलब कि ये पास्ट में है। इस टाइम ट्रेवल से पहले डेन, सॉयर, जूलिया और बाकी सब उस हेज के करीब बैठे थे। माइल्स पूछता है कि वैसे इस हेज में ता किया। जूलिया जवाब देती है कि इसमें एक इंसान था, डजमेंट, और वो एक बटन दबाता था हर 108 मिनट्स में। माइल्स पूछता है कि क्यों, तो जूलिया जवाब देती है क्योंकि वो दुनिया को बचा रहा था। कुछ देर में जैसे ही टाइम ट्रेवल होता है वो पास्ट में आ जाते हैं। अभी वो हेज यहाँ है, मगर इन्हें कोई अंदाजा नहीं ये कौन सा साल है। सॉयर डिसाइड करता है कि वो बैकडोर से हेज में जाएगा, वहाँ से सप्लाईज लाएगा क्योंकि हेज इस सबसे बड़ा है। डेन उसे समझाता है कि नहीं रुको, ये सही नहीं होगा, शायद हेज में डजमेंट नहीं कोई और हो, और अगर डजमेंट हुआ भी तो वो तुम्हें नहीं पहचान पाएगा क्योंकि वो तुमसे मिला ही नहीं है। सॉयर उसकी बात नहीं मान रहा था, तो वो उसे समझाता है कि देखो तुम कुछ भी नहीं बदल सकते, मैंने अपनी सारी जवानी टाइम और स्पेस को स्टडी करने में लगा दी, जो होना है वो होकर रहेगा, समय एक सड़क की तरह है, तुम इसमें आगे पीछे जा सकते हो, मगर तुम नई सड़क नहीं बना सकते। सॉयर फिर भी जाता है और हेज के दरवाजे पर जोर जोर से मारता है। सॉयर को गुस्सा आया था, वो डेन से झगड़ा भी करता है। असल में वो गुस्सा था क्योंकि वो जिसकी परवाह करता था वो उस हेलीकॉप्टर में थी और शायद अब वो नहीं रही। जब हेज से कोई बाहर नहीं आता तो जूलिया सॉयर से कहती है कि चलो सॉयर, अब हम बीच पर वापस चलते हैं। डेन नोटिस करता है कि शार्लेट के नाक से खून बह रहा है। डेन घबरा जाता है, मगर वो शार्लेट को कहता है कि ये आम सी बात है दोस्तों, असल में डेन शार्लेट से प्यार करता है। बाकी लोग जब वहां से चले जाते हैं तो डेन हेज का दरवाजा कटखटाता है। इतने में डजमेंट सूट पहने बाहर आता है, हाथ में गन लिए। उससे मैं पूछता है कि पिछले 20 मिनट से तुम इस दरवाजे को कटखटा रहे हो, क्या चाहते हो तुम? डेन माफी मांगता है। डजमेंट पूछता है कि क्या तुम वही हो? डेन पूछता है कौन? तो डजमेंट कहता है कि मेरी रिप्लेसमेंट। डेन जवाब देता है कि माफ करना, मैं वो नहीं हूँ। अब डेन डजमेंट से कहता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो डजमेंट, तुम खास हो, तुम पर यहाँ के रूल्स अप्लाई नहीं होते। जब आइलैंड से हेलीकॉप्टर लैंड करेगा तुम उन्हें रोकना, उन्हें कहना कि वहाँ खतरा है, मैं चाहता हूँ तुम ऑक्सफोर्ड जाओ,
और किसी से मिलो इससे पहले कि वो किसी का नाम बता पाता। फिर से वो तेज रोशनी। डेजमंड उस समय कुछ समझ नहीं पा रहा था और एक बार फिर से टाइम ट्रेवल होता है। इस आइलैंड से बहुत दूर प्रेजेंट टाइम में हम डेजमंड को देखते हैं जो अचानक जाग जाता है। अब वो और पेनी साथ साथ थे। आइलैंड से आए डेजमंड को 3 साल हो चुके हैं। जैसे कि ओशियानिक 6 को पेनी पूछती है कि क्या हुआ तो डेजमंड उलझन में था। वो कहता है कि मैंने देखा मैं आइलैंड पर हूँ। पेनी कहती है कि तुमने जरूर सपना देखा होगा, मगर डेजमंड जवाब देता है कि नहीं वो सपना नहीं था, वो यादें थी। वो जल्दी से बोट का लंगर उठाता है। पेनी पूछती है कि क्या हुआ, हम कहाँ जा रहे हैं? तो डेजमंड जवाब देता है कि हम ऑक्सफोर्ड जा रहे हैं। और यही सीन कट। देखते हैं डेजमंड क्या करता है, क्योंकि सिर्फ एक डेजमंड ही है जिससे डैन कम्युनिकेट कर सकता है और वो बाहर की दुनिया में है तो वो इन लोगों की मदद कर सकता है। खैर ये काफी माइंड ब्लोइंग है, इससे आप बोर नहीं होंगे। दोस्तों अब आते हैं उस समय में जहां ओशियानिक 6 को आइलैंड से आए 3 साल हो चुके हैं। हमें पता चला कि लॉक मर गए, बेन भी आइलैंड से आ चुका है, जेक से मिला। अब ये दोनों उन सभी को वापस आइलैंड ले जाने का प्लान बना रहे थे। जब सईद हार्ली को हॉस्पिटल से ले आया था, सईद एक मोटल में ठहरा था, मगर जब ये दोनों वहां जाते हैं सईद पर 2 लोग हमला करते हैं। सईद उन्हें मारने में तो कामयाब हो गया, मगर न्यूज पर यह बताया जा रहा था कि ह्यूगो रेस मतलब हार्ली मेंटल हॉस्पिटल से भाग गया है और उसने कत्ल भी किया है। वहाँ केट के पास 2 लॉयर्स आते हैं जो उसका और बच्चे का ब्लड सैंपल लेने आए थे। शायद उन्हें पता चल गया था। उस समय केट उन्हें अंदर नहीं आने दी थी और बाद में केट एरन को लेके वहाँ से निकल जाती है। सन ने अपने फादर की आधी कंपनी को खरीद लिया था। वो विडमोर से मिली है और उसे कहती है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ क्योंकि मैं भी वही चाहती हूँ जो तुम चाहते हो। विडमोर पूछते हैं कि क्या, तो सन जवाब देती है कि बेंजामिन लाइनस की मौत। और यहीं पर इस एपिसोड का दी एंड। दोस्तों जुड़े रहिए, कहानी कंटिन्यू है। तो दोस्तों इस बार शुरुआत होती है उस समय से जहां एलेन को गायब हुए 1 हफ्ता हो चुका था। जेक, केट, सन, सईद, हर्ली, फ्रैंक और डेजमंड पेनी के बोट पर थे। जेक ने फैसला कर लिया था कि वो अपनी दुनिया में तो लौट जाएंगे, मगर किसी को सच नहीं बताएंगे कि असल में उस क्रैश के बाद क्या हुआ था। इन सभी ने मिलकर एक झूठी कहानी तैयार की थी। आखिरी बार जेक सबसे पूछता है कि क्या तुम लोग मेरे साथ हो। हर्ली दुखी था, वो पूछता है कि हम झूठ क्यों बोले, वहाँ हमने क्या कुछ नहीं झेला, हमने अपने साथियों को खो दिया। जेक उसे समझाता है कि हर्ली जो लोग हमसे पीछे रह गए हैं, वो हमारी झूठी कहानी से सुरक्षित रहेंगे। हर्ली सईद से पूछता है कि सईद क्या तुम मेरा साथ दोगे, मैं झूठ के सहारे अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकता। सईद हर्ली से कहता है कि माफ करना हर्ली, मगर यही एक रास्ता मुझे सही लगता है। हर्ली उसकी ओर देख रहा था, कहता है कि मैं इसे याद रखूंगा, एक दिन तुम मुझसे मदद मांगने आओगे और मैं मदद नहीं करूंगा। दोस्तों इसके बाद हम 3 साल आगे की कहानी देखेंगे कि वहाँ हो क्या रहा है। बेन ने ओशियानिक 6 को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। ये आइलैंड पर वापस जाने वाले हैं, मगर कैसे? इससे पहले हम आइलैंड पर जाते हैं, क्योंकि वहाँ जो लोग रह गए थे उनका हाल बुरा है। वहाँ बार बार टाइम ट्रेवल हो रहा है। ये लोग बीच पर थे मगर इनका सारा सामान गायब हो चुका था, तो ये बड़ी मुश्किल में थे। इन लोगों की हालत इतनी बदतर हो चुकी थी कि अब बर्नार्ड और रोज आग को जलाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे ये आग जला सके। अब सॉयर बेचारा एक दिन से बिना शर्ट के घूम रहा है, कुछ पता नहीं अगला टाइम ट्रेवल कब होने वाला है। मगर जब आखिरी टाइम ट्रेवल हुआ था तो ये लोग पास्ट में आ चुके थे। अब इन्हें नहीं पता कि ये पास्ट है या फ्यूचर, मगर इनका कैंप नहीं है। जूलिया जोडियक बोट को ठीक करने में लगी थी। ये बोट गायब नहीं हुई थी, डेन जंगल में रह गया था। असल में वो डेजमंड से बात कर रहा था, उसने किसी को इस बारे में नहीं बताया, मगर अब वो बीच पर लौट आया। वापस आने पर जूलिया और सॉयर उससे पूछते हैं कि अब बताओ तुम्हें क्या जानकारी मिली और हमारा अगला प्लान क्या है। तो डेन कहता है कि मुझे कैलकुलेशन करनी होगी कि आखिर हम किस समय में है। बाद में हम देखते हैं बर्नार्ड और रोज आग जलाने में लगे थे, बाकी लोग भूखे थे, प्यासे थे। अब इनका लीडर भी नहीं था, मतलब जेक।
माइल्स उस समय जंगल में गया था कि मैं कुछ खाने के लिए ढूंढता हूँ। शार्लेट डैन के पास आती है, उसे फ्रूट देकर कहती है कि मुझे बस यही मिला। शार्लेट कहती है कि मेरे सर में दर्द है और मुझे अजीब सा एहसास हो रहा है, मुझे अपनी माँ का मिडल नेम याद नहीं आ रहा। डैन उस समय कुछ नहीं कहता, मगर शार्लेट पूछती है कि तुम जानते हो ना डैन कि मेरे साथ क्या हो रहा है। इससे पहले कि डैन कुछ बता पाता, माइल्स जंगल से एक मरा हुआ बोर ले आता है। वो कहता है कि ये 3 घंटे पहले ही मर चुका है। मुझे नहीं पता किसने मारा, मगर हम भूखे हैं तो इस पर अपना गुजारा कर ही सकते हैं। नील नामी एक लड़का भड़क जाता है, गुस्से में कहता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना पानी है ना आग है। और जैसे ही वो आग का नाम लेता है, एक तीर आके उसके सीने में लग जाता है और इसके बाद आग वाले तीर इन पर बरसने लगे। सॉयर चिल्लाता है कि भागो, सभी जंगल की तरफ भागने लगे। इनके काफी लोग मारे जाते हैं। सॉयर सबको कहता है कि अलग हो जाओ। जूलिया और सॉयर दूर कहीं भाग जाते हैं। दोस्तों, जब द लॉस्ट की कहानी शुरू हुई थी, हमारे पास 46 सर्वाइवर्स थे। धीरे धीरे ये खत्म होने वाले है। कुछ हादसों में मर गए, कुछ शिप पर और कुछ इस हमले में। तो इस आइलैंड पर सर्वाइवर्स अब ज्यादा नहीं बचे, और जो बचे हैं उन्हें ये टाइम ट्रेवल ही मार देगा, क्योंकि अभी जो हमला हुआ कोई अंदाजा नहीं वो किसने किया और ये कितनी बार होने वाला है। सॉयर और जूलिया जब जंगल में थे, अपने बाकी साथियों को ढूंढ रहे थे, उन्हें आहट सुनाई देती है। दोनों झाड़ियों में छुप जाते हैं। उस समय वो 3 सैनिकों को देखते हैं। सॉयर जूलिया से पूछता है कि क्या ये अदर्स है। इसी के साथ वो दोनों पकड़े जाते हैं। एक सैनिक गुस्से में पूछता है कि तुम लोग कौन हो, हमारे आइलैंड पर क्या कर रहे हो और तुम्हारे अलावा कौन कौन है यहाँ। सॉयर उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, मगर वो सैनिक इतना जज्बाती था कि वो जूलिया का हाथ काटने वाला था। इससे पहले कि जूलिया का एक हाथ कुर्बान हो जाता, इन सोल्जर्स पर हमला होता है। नाइफ उड़ता हुआ एक सैनिक के कमर में लग जाता है। सॉयर और जूलिया जल्दी से हथियार उठाते हैं और बाकियों को बंदी बना लेते हैं। तभी जॉन लॉक जंगल से प्रकट होते हैं। वो जूलिया और सॉयर को हेलो कहते हैं। आगे ये मिलकर क्या प्लान बनाते हैं देखेंगे। दोस्तों, अभी यहाँ से हम जाएंगे आइलैंड से बाहर ओशियानिक 6 के पास, जहाँ 3 साल का समय गुजर चुका है। लॉक मर चुके हैं, बेन आइलैंड से आ चुका है, सईद एक खतरनाक कातिल बन चुका है, जेक की हालत बदतर थी, हर्ली पागल हो चुका था, सन अपने पति का बदला लेना चाहती थी, केट ने फिर से भागना शुरू कर दिया क्योंकि यही उसकी किस्मत है। सिर्फ डजमेंट ही था जो खुश था, क्योंकि वो पेनी के साथ था। शुरुआत होती है और हमें वो समय दिखाया जाता है जहां कल रात सईद और हर्ली पर हमला हुआ था। सईद उन दो लोगों को मारने में कामयाब तो हो गया, मगर उन्होंने सईद को बेहोश कर दिया था। अब हर्ली ने उसे कार में बिठाया था, वो घबराया हुआ था। सईद को उठाने की वो बहुत कोशिश करता है, मगर वो कहां उठने वाला था। तब उसके पीछे पुलिस की कार लग जाती है, मजबूरन हर्ली को कार रोकनी पड़ी। वहां आती है एक लेडी ऑफिसर, और वो ऑफिसर थी एनालूसिया। दोस्तों, हर्ली कहता रहता है कि मुझे मरे हुए लोग नजर आते हैं। वैसे ये बेमतलब तो लगता है, मगर जब सीरीज का एंड होगा तो ये पहेलियां समझ आने लगेगी कि ऐसा क्यों होता था। एनालूसिया हर्ली से कहती है कि आखिर तुम इतने घबराए हुए क्यों हो, तुम्हें सब ठीक करना है हर्ली, इसलिए पुलिस से बचकर रहो। जाओ सईद को किसी सुरक्षित जगह पर ले जाओ, खुद के लिए कपड़े खरीदो और शांत रहो। जाते जाते एनालूसिया कहती है कि हाँ, लिबी ने तुम्हें हाय भेजा है। अगले ही पल वहाँ कुछ नहीं था, ना पुलिस की कार ना ही एनालूसिया। सबसे पहले तो वो अपने लिए एक शर्ट लेता है और सीधा जाता है अपने घर, जहाँ उसके डैड उसके लॉटरी वाले पैसों से मजे उड़ा रहा था। हर्ली पीछे के दरवाजे से आता है, क्योंकि मेन गेट पर कॉप्स थे। अब न्यूज में बताया जा रहा था कि हर्ली वांटेड है और उसने 3 कत्ल किए हैं। उसके कंधों पर बेहोश सईद था। उसके पिता पूछते हैं कि क्या हुआ। हर्ली बस इतना बताता है कि कोई हमारे पीछे है, हमारी जान खतरे में है, मैंने 3 लोगों को नहीं मारा, सईद ने मारा है। हर्ली के पिता पूछते हैं कि मुझे सच बताओ, यहाँ चल क्या रहा है। मगर उसने चूंकि वादा किया था, इसलिए वो उन्हें असली कहानी नहीं बताता। सईद काउच पर पड़ा था, इतने में हर्ली की माँ जाती है, पूछती है कि ये मरा हुआ आदमी मेरे काउच पर क्यों है। मगर हर्ली जवाब देता है कि ये मरा नहीं है माँ, बस बेहोश हुआ है। हर्ली को सईद का इलाज करना था, किसी डॉक्टर के पास उसे सईद को ले जाना था, और ऐसा एक ही इंसान था जिसे हर्ली जानता था और जिस पर वो भरोसा कर सकता था। हर्ली के पिता सईद को गाड़ी में रख देते हैं, क्योंकि बाहर पुलिस वाले थे। असल में वो हर्ली के आने का इंतजार कर रहे थे।
हर्ली घर में था। उसकी माँ पूछती है कि बेटा क्या हुआ है, क्या तुमने सच में 3 लोगों को मारा? हर्ली जवाब देता है कि नहीं माँ, वो सईद ने किया। उसकी माँ पूछती है कि ये तुम्हारा कैसा दोस्त है, किसी को मारना गलत बात है। उस समय हर्ली अपनी माँ से आंखें नहीं मिला पा रहा था, तो उसकी माँ कहती है कि तुम अपनी माँ से झूठ नहीं बोल सकते बेटा। तब हर्ली इमोशनल हो जाता है, रोने लग जाता है, कहता है कि हमने झूठ बोला, हम सभी ने झूठ बोला माँ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। हमारा जहाज समंदर में नहीं, एक आइलैंड पर क्रैश हुआ था। हम में से काफी लोग जिंदा थे। उस आइलैंड पर अजीब चीजें थी। एक हैज था जिसमें बटन दबाना पड़ता था वरना दुनिया का अंत हो जाता। वहाँ एक मॉन्स्टर था, अदर्स थे जो हमें डराते रहते थे। फिर आइलैंड पर एक जंग हुई और आखिर में वो आइलैंड गायब हो गया। और ये सब सच है, जो हमने दुनिया को बताया वो सब झूठ था, क्योंकि जो लोग पीछे रह गए हैं हम उन्हें बचा रहे हैं। वैसे तो कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं करता, हर्ली को पागल ही समझता, मगर जैसे हर्ली ये सब बता रहा था उसकी माँ समझ जाती है कि ये झूठ नहीं है। वो कहती है कि मुझे तुम पर विश्वास है बेटा, मुझे तुम्हारी कोई बात समझ तो नहीं आई, मगर मैं जानती हूँ तुम सच कह रहे हो। हर्ली के पिता जैक से मिलते हैं और सईद का इलाज करने को कहते हैं। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि तुम हर्ली से दूर रहना, मेरा बेटा तुम लोगों की वजह से पागल हो गया है। जैक सईद को हॉस्पिटल लाता है, उसका इलाज करता है। बेन को खबर मिल गई थी कि सईद अब जैक के साथ है। केट को सन की कॉल आई थी, वो उससे मिलने जाती है, जहां केट अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताती है कि कोई जानता है कि हम झूठ बोल रहे हैं। सन उसे समझाती है कि वो जो भी थे वो इस बात को एक्सपोज नहीं करना चाहते, इसलिए वो प्राइवेटली तुमसे मिलने आए थे। सन को वो शिप वाला हादसा याद था, वो किसी को इसके लिए ब्लेम नहीं कर रही थी, मगर फिर भी उसके दिल में बदले की आग थी। इसके बाद हम बेन को देखते हैं जो एक बुचर शॉप में आता है। दोस्तों आइलैंड के बाहर बेंजामिन लाइनस का नेटवर्क बहुत स्ट्रांग था और वो वहाँ अपनी एक अमानत रख देता है। फिर वो हर्ली से मिलने आता है, हर्ली उसे देखकर घबरा गया। बेन उसे कहता है कि हर्ली हमें वापस जाना होगा, तुमने बहुत तकलीफें झेल ली, तुमने बहुत झूठ बोल दिया। मगर हर्ली को बेन से डर लगता था। सईद ने हर्ली को वॉर्न किया था कि बेन बुरा है और वो दिमाग से खेलता है, जो वो कहता है उसके उल्टा करो। तो हर्ली बाहर पुलिस वालों के पास भाग जाता है और सरेंडर करता है। बेन ये देख रहा था और हर्ली उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। उस समय बेन बस उसे देखे जा रहा था। आखिर में हमें एक औरत दिखाई जाती है जो किसी तरह के इक्वेशन को लिख रही थी। जहाँ वो थी वो जगह भी किसी दारमा की फैसिलिटी लग रही थी, क्योंकि टेक्नोलॉजी वही थी। वो एक नक्शा तैयार कर रही थी। फिर वो बाहर आती है, असल में ये जगह चर्च के नीचे थी और ये कोई आइलैंड नहीं है, ये लॉस एंजेलिस है। बेन उससे मिलने आया था और दोस्तों असल में ये वो औरत है जो एक बार डेजमंड से मिली थी जब उसने टाइम ट्रेवल किया था। इसकी क्या कहानी है आगे समझेंगे। बेन पूछता है कि क्या हुआ, तो वो औरत जवाब देती है कि बेन तुम्हारे पास सिर्फ 70 घंटे है, तुम्हें सबको इकट्ठा करना होगा और उस आइलैंड पर एक साथ ले जाना होगा। बेन पूछता है कि इतना कम समय मैं सबको नहीं इकट्ठा कर पाऊंगा, हर्ली को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। मगर वो औरत कहती है कि बस यही एक आखिरी मौका है तुम लोगों के पास। बेन पूछता है कि अगर मैं सबको आइलैंड पर नहीं लेके गया तो फिर क्या होगा। वो औरत जवाब देती है कि फिर तो ईश्वर ही हमारी मदद कर सकता है। और यहीं पर इस एपिसोड का दी एंड। दोस्तों जुड़े रहिए, कहानी कंटिन्यू है।